अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं तुरई की भुजिया बनाने। तो ये मैंने ली है आधा किलो तुरई, इसको मैंने गोल गोल जो है वो काट लिया है। ये हैं दो बड़े प्याज, ये हैं दो बड़े टमाटर, ये है ज़ीरा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, सूख मिर्च 1 चम्मच, और ये हल्दी है आधी टीस्पून। ठीक है, अब हम इसको कैसे पकाएंगे ये अब देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये हम थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालेंगे। ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे अपनी प्याज, और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, इसको पिंक पिंक ही रहने देंगे। दस मिनट तक हम इसको पिंक होने देंगे। जी व्यूअर्स, अब आप देखिए कि हमारी प्याज जो है वो पिंक पिंक हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। जी व्यूअर्स, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। तो हम 5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि प्याज थोड़ा, टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। के व्यूअर्स, हमारा टमाटर जो है वो ऑलमोस्ट नरम हो चुका है। अब हम इसमें अपने तमाम मसाले डालेंगे। ये हमने इसमें अपने तमाम मसाले डाल दिए। ये तमाम मसाले इसमें, नमक, मिर्चा, हल्दी, जीरा सब डल चुका है इसमें। अब इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसमें हम तुरई डाल देंगे। और तुरई जो है अपना पानी खुद छोड़ती है और उसी पानी में पकती है, इसमें पानी नहीं डालना पड़ता। अब मैं इसमें तुरई डालूंगी। ये व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर तुरई डाल रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब हम अपनी तुरई को जो है 5 से 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तुरई जो है वो हमेशा दम पे पकती है क्योंकि ये अपना पानी खुद छोड़ती है तो उसी में पकती है। तो आज हम देखेंगे कि ये अपने पानी में कैसे पकती है। तो हम 15 मिनट के लिए इसको दम देंगे हल्की आंच पे। व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं अपनी तुरई को। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारी तुरई जो है वो तकरीबन तैयार होने के करीब है। व्यूअर्स, ये हमारी तुरई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो हमारी तुरई बिल्कुल रेडी है। आप सब मुझे जो है वो अपने कमेंट्स में बताएगा कि आपको हमारी ये इजी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया है।
अब आपकी होस्ट आयशा महफूज आपसे इजाज़त चाहती है। थैंक यू।